यह किला 3 मील की 4 दीवारी से घिरा है, जिन पर 37 तोपें लगी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के मुगल शासकों ने कई बार कोशिश की थी। इस किले में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे हैं। किला के कैंपस में इमारतें, मस्जिद, गार्डन, मेहराब बनी हुई हैं। यह किला 14वीं और 15वीं सदी में बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कैसे किले के बारे में जानने वाले हैं, जिसका इतिहास से लेकर और वर्तमान तक की कुछ अलग कहानी है। और दोस्तों, इस किले का नाम है बीदर फोर्ट। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस किले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भारतीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित कर्नाटक राज्य भारत के सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। यह राज्य न केवल अपने यहाँ की अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपने यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी विश्व विख्यात है। कर्नाटक में स्थित बीदर का किला भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। इस किले की स्थापत्य शैली और इसका इतिहास इसको भारत के अन्य किलों से काफी विभिन्न और प्रमुख बनाता है। हिस्टोरी ऑफ बीदर फोर्ट। ऐसा माना जाता है कि इस किले का सर्वप्रथम निर्माण अहमद शाह वाली बहमन द्वारा कराया गया था। इस किले को 13वीं शताब्दी में तुगलक राजवंश के राजकुमार अपने कब्जे में ले लिया गया था, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन गए थे। वर्ष 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना के तुरंत बाद ही सल्तनत अलग सुल्तान अलाउद्दीन बहमन ने बीदर पर कब्जा कर लिया था। अहमद शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। अहमद शाह के शासनकाल के दौरान इस किले के पुनर्निर्माण वर्ष 1429 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 1432 ईस्वी तक इसे बनाकर पूर्णतः तैयार कर दिया गया था। यह किला कई साम्राज्यों और सल्तनतों द्वारा शासित हो चुका है, जिसमें बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य सम्मिलित हैं। 17वीं शताब्दी में यह किला बीदर के निजाम असफ जाही साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। असफ जाही का मृत्यु के बाद उनके तीसरे बेटे नवाब मीर सैयद मुहम्मद खान ने इस किले और साम्राज्य को चलाना शुरू किया था, परंतु वह इस किले पर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ समय बाद ही इनके भाई मीर निजाम अली खान ने इन्हें कैद कर इनकी हत्या कर दी थी। अब दोस्तों, आप लोगों को हम बताएंगे इस किले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना समय गवाए SKM Sky चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। और हाँ, घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की सूचना आपको। नंबर 1, इस किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1428 ईस्वी के आसपास शासक अहमद शाह द्वारा करवाया गया था। नंबर 2, इस किले को पुनः बनाने में लगभग 6 सालों का वक्त लगा था। इसका निर्माण वर्ष 1428 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 1432 ईस्वी तक बनाकर पूर्णतः तैयार कर दिया गया था। नंबर 3, इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से एक पठार पर बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 670 मीटर है। नंबर 4, इस किले के पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कल्याणी स्थित है, जो इसे लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित है। नंबर 5, इस किले की संरचना इस्लामिक शैली में की गई थी। इस किले के अंदर लगभग 30 से भी अधिक स्मारक मौजूद हैं। नंबर 6, इस किले को भारत का सबसे खतरनाक किलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके भीतर की संरचना एक चतुर्भुज आकार के अभिन्यास वाली है। नंबर 7, यह किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 1.21 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 800 मीटर है। नंबर 8, इस किले की बाहरी सुरक्षा दीवार लगभग 2.5 किलोमीटर तक लंबा है, जिसके भीतर कई किले प्रमुख मेहराब, मंडप, मस्जिदें, गेट और उद्यान शामिल हैं। नंबर 9, इस किले में लगभग 7 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है मंडू द्वार। इस किले की दीवार पर लगभग 37 बुर्ज हैं, जिनकी सलाखों में धातु से बनी तोपों को एक साथ जोड़ा गया है। दोस्तों, आप लोगों को इस किले के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए SKM Sky चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।